हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैटेक्स डिजिटल मीडिया। इस चैनल पे अब से हम लोग क्या करेंगे कि आपको हेल्प करने के लिए, आपके बिजनेस को हेल्प करने के लिए रेगुलर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड और आपके बिजनेस को ग्रो करने से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। सबसे पहले आज इस वीडियो में, पहली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे जनरेट कर सकते हैं। मोस्टली होता क्या है कि मैं इतने ज्यादा बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं एजेंसी में, बोलते हैं यार वेबसाइट तो है लेकिन कोई आता नहीं है उस पर। वेबसाइट हम बस यूज करते हैं URL सेंड करने के लिए, एक डिजिटल प्रेजेंस दिखाने के लिए, लेकिन कोई भी हमारी वेबसाइट पे आता नहीं है। तो आज ये वीडियो देख लो आप। इस वीडियो में आपको इतना हेल्प, एक आपको तरीका पता चलने वाला है कि कैसे आप अपने वेबसाइट पे भी अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। देखो, मेन इम्पॉर्टेंट, अगर वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक जनरेट करना है तो मेन इम्पॉर्टेंट है कि आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि कंटेंट किस तरीके का आपको अपलोड करना है, क्योंकि कंटेंट इज द किंग एंड आई विल से क्वालिटी कंटेंट इज द किंग। तो स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ। और अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, कंटेंट इनटू SSEIA स्ट्रेटजी। ये गाइस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है जो पूरा आगे एक फॉर्मूला भी आपको बताने वाला हूँ, उसकी एक शॉर्ट फॉर्म रेडी करी है, ठीक है। तो कॉन्टेंट तो मस्ट है। देखो कॉन्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेंट इनटू मल्टीप्लाई SSEIA। सबसे पहले S का मतलब है सर्च इंजन फॉर्मूला, सोशल मीडिया फनल, ईमेल, इन्फ्लुएंसर एंड अलायंस। आपको ये पांच चीजें याद रखनी है अगर अपने वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक जनरेट करना है, क्वालिटी ट्रैफिक जनरेट करना है। तो गाइज ये चीजें ना याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें सर्च इंजन फॉर्मूला क्या है, सोशल मीडिया फनल क्या है, ईमेल कैसे बनाना है, सारी चीजें अभी डिस्कस होने वाली है, तो एंड तक इस वीडियो को देखना, ठीक है। सर्च इंजन फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो देखो इसमें तीन स्टेप आपको चेक करने हैं, ठीक है। पहला स्टेप है हमारा लोकल। लोकल क्या होता है, लोकल जस्ट लाइक अ गूगल प्रोफाइल। अगर आपको कोई लोकल बिजनेस है तो आप गूगल प्रोफाइल पर जाके आप ये चेक करो कि आपकी गूगल प्रोफाइल बनी हुई है या नहीं है। अगर नहीं बनी तो गाइज आज ही जाके उसको बना लो, वहां से ट्रैफिक बहुत अच्छा आता है अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है। सेकंड थिंग इज ग्लोबल। ग्लोबल की अगर हम बात करते हैं, ग्लोबल में दो पॉइंट होते हैं, एक ऑन पेज और ऑफ पेज, और उसमें भी मेन इंपॉर्टेंट इज गाइज कॉन्टेंट। तो गाइज थर्ड स्टेप इज एड्स। एड्स के थ्रू आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पैसे का मामला है, ठीक है। जहां पैसे का मामला आ जाता है वहां पे थोड़ा सा हम लोग पीछे हट जाते हैं कि अभी पहले हम चेक करके देखें, अभी हम पहले टेस्ट करके देखें कि ऑर्गेनिकली क्या आ रहा है, और इसकी वजह से हम कुछ करते ही नहीं है। तो ये दो स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री है, आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, और इन पे डिटेल में वीडियो आने वाले टाइम में आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लो अभी चैनल। गाइस कम नाउ कमिंग ऑन द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज द गेटवे फॉर न्यू कस्टमर, बट आई विल से दैट न्यू कस्टमर एज वेल एज फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई आपके रेफरेंस में आपने किसी को अपने वेबसाइट का URL दिया, आपने कहा कि यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे मेरी सर्विसेज, ठीक है। अब वो आपकी वेबसाइट पे एक बार गया, एक बार जाने के बाद वो वापस चला गया, ठीक है, एक बार में कोई भी परचेज नहीं करता। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए वो चला तो गया, वो बार बार आपकी वेबसाइट पे नहीं आ रहा, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, वो सोशल मीडिया पे जा रहा है, वो इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, फेसबुक यूज कर रहा है, वो न्यूज चैनल देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, तो वहां पे हमें कैप्चर करना है। तो सोशल मीडिया हमारे न्यू कस्टमर और एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए एक फनल सिस्टम। वो फनल सिस्टम क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, फर्स्ट कस्टमर लैंड्स ऑन योर सोशल मीडिया। वो क्यों आएगा, ड्यू टू योर कॉन्टेंट। जो भी आप कॉन्टेंट पोस्ट करोगे उसकी वजह से आपके सोशल मीडिया पे वो, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट होगा उस पर आएगा। उसके बाद आपका कंटेंट अगर अच्छा है, क्वालिटी कंटेंट है, तो वो उसको लाइक भी करेगा, फॉलो भी करेगा। यहाँ से क्या होगा ना, एक ट्रस्ट जनरेट हो जाएगा दैट यू आर गिविंग अ वैल्यू, यू आर जनरेटिंग अ वैल्यू, ठीक है, टुवर्ड्स योर कस्टमर्स, टुवर्ड्स योर फॉलोअर्स, ओके। अब क्या है कि जब आपका ट्रस्ट जनरेट हो गया तो ट्रांजेक्शन होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, वहां से वो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट होगा न्यू कस्टमर।
तो गाइस इस तरीके से आपकी वेबसाइट पे एक क्वालिटी ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। अब हम बात करते हैं थर्ड वन इज द ईमेल। ईमेल में ईमेल फर्स्ट फेज फनल है। देखो ये ना सबसे पहला इंपॉर्टेंट फनल है अगर आप अपना कुछ जनरेट करना चाह रहे हो, अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हो। तो वो क्यों है? देखो ये क्या है कि आप सबसे पहले ईमेल्स अपने कस्टमर का गैदर्ड करना शुरू करो। कल को अगर ये इंस्टाग्राम बंद हो जाता है, कल को फेसबुक बंद हो जाता है, वैसे नहीं हो रहा लेकिन एक मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा हूं, तो आपका ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपके 10,000 फॉलोअर्स हैं गाइस उस पे क्या नाम है फेसबुक पे या फिर आपके इंस्टाग्राम पे और वहीं से आपको बिजनेस जनरेट हो रहा था और कल को ये बंद हो गया तो आपका बिजनेस बंद हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका जो अपना खुद का प्लेटफॉर्म है, जो आपका खुद का प्लेटफॉर्म है वहां पे लोगों को ले जाना है। अल्टीमेटली सोशल मीडिया हो गया या कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया उसको सिर्फ यूज करना है एज अ फनल के वो आपके प्लेटफॉर्म पे लोगों को भेजे। ठीक है, ये हमें अपने माइंड में प्रोस्पेक्टिव बना के रखना है। हमें कॉन्टेंट देना है लेकिन फुल कॉन्टेंट हमें अपने मेन प्लेटफॉर्म पे दे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई ब्लॉग लिख रहे हैं तो ब्लॉग का जो छोटा सा कुछ पार्ट है या कुछ एक इमेज बना के हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें और वहां पे लिंक पुटअप करें अपने ब्लॉग का, फुल डिटेल ब्लॉग का कि वो हमारे वेबसाइट पे है और वेबसाइट पे आने के बाद आप उससे वहां पे उसका ईमेल और उसका नाम अपने पास ईमेल लिस्ट तैयार करें और फिर आप उसको क्वालिटी कॉन्टेंट टाइम टू टाइम आप दें और उससे ट्रस्ट जनरेट करें और ट्रस्ट जनरेट के साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट पे कन्वर्जन लेके आ सकते हैं। नाउ दिस इज द क्वालिटी ट्रैफिक दैट यू आर जनरेटिंग। नाउ कमिंग ऑन द इन्फ्लुएंसर। देखो ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि माउथ ऑफ वर्ड जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग के फेज। तो माउथ ऑफ वर्ड का मतलब क्या है कि फाइंडिंग आउट 10 इन्फ्लुएंसर ऑन योर नीश। जिस भी नीश में आप काम कर रहे हो पहले आप 10 इन्फ्लुएंसर ढूंढो। ठीक है, आप ये मत करो एक बड़ा सेलिब्रिटी को आप ढूंढ रहे हो और उससे आप बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हो। आप 10 छोटे छोटे सेलिब्रिटीज को ढूंढो, उनकी रीच देखो और रीच देखने के बाद अपना कंटेंट उन्हें प्रोवाइड करवाओ और कंटेंट प्रोवाइड करने के बाद ट्रैफिक जनरेट करो। देखो जब उनका ट्रैफिक आप पे आएगा ना वो ट्रस्ट तो ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। अब आपको ट्रस्ट इतना जनरेट नहीं करना, ट्रस्ट आपका जो इन्फ्लुएंसर है उसने ट्रस्ट जनरेट कर दिया है कि ये बंदा ऑथेंटिक चीज बेच रहा है या ये बंदा ऑथेंटिक सर्विस को केटर कर रहा है। ठीक है, तो आपका काम बहुत ज्यादा इधर लाइट हो जाता है और आपका माउथ ऑफ वर्ड का वैल्यू बढ़ने लगती है। गाइज अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो नेटवर्किंग नहीं कर रहे हो अपने बिजनेस में, अगर आप बिजनेस कर रहे हो नेटवर्किंग नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गैप में रह जाओगे। ठीक है, तो आप ये मत समझो कि जो भी लोग आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो लोग और भी काम कर रहे हैं मार्केट में आपके जैसा, वो आपके कॉम्पिटिटर हैं। आप ये मत समझो, आप उनसे कोलैबोरेट करो। इन फ्यूचर आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो आप शेयर करके उसको मार्केट में सर्व कर सकते हो, या फिर आपके कॉम्पिटिटर के पास कुछ कुछ वर्क आता है ऐसा जो वो नहीं कर सकता तो वो आपके साथ शेयर करके उसको डन कर सकता है। तो कोलैबोरेशन में बहुत पावर है। इससे क्या होगा कि आपकी एक्सचेंज ऑफ ऑडियंस होगी और इससे आपका ट्रैफिक भी बढ़ेगा और आपकी ऑथेंटिसिटी भी बढ़ेगी। तो गाइज आई होप सो आपने ये सब नोट ले लिया होगा। देखो ये सब ना कहाँ से मिलता है, ये सब ना एक एक्सपीरियंस से आता है। जब बहुत सारे लोगों को आप सर्व कर देते हो, गलतियां करते हो, ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें हमें ऐसे ही पता चल गई या हमने कहीं से पढ़ के आपको बता दी। ये सब चीजें होती है ट्रस्ट से। मैं आपको एक एक पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया कि आप ये करो, इस पे भी मैं आपको आगे वीडियोस बना के देने वाला हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि आपको करना कैसे है सारी चीज। और अगर आपका कोई बिजनेस है जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है और आपके पास टाइम नहीं है तो हमारी टीम भी आपकी हेल्प कर सकती है। आप आज ही कैटनिक्स डिजिटल मीडिया को कॉन्टेक्ट करके आप अपने बिजनेस का कंसल्टेशन ले सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, वो सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। तो गाइज आई होप सो कि आपको ये पूरा स्ट्रेटजी समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। कंटेंट के लिए बहुत जल्दी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें आप अपने बिजनेस से रिलेटेड बहुत ही एक ट्रस्टेड कंटेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए,
कहीं भी कोई भी इशू आता है हमारी टीम कैडनेक्स डिजिटल मीडिया, आप उसको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपकी पूरी हेल्प करेगी।